लीजिए ना, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। अभी सुन लीजिए ना, लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने दो महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए फर्क। अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए आपके। अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने हैं। जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप, ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है। अरे उस समय, अरे जब हम वहाँ, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए कहे सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं, ऐसा भेजो, बैठो बैठो चलिए अब बैठ जाए। बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए, क्या था भाई जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में, 700 मेगावाट, और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है, आज बिजली की खपत हो गई है इतना ज्यादा हो गया है कि 5900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई, ये जरा जान लीजिए। हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को, और जो पहले जितना पहुंचा दिया अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखे, बैठे बैठे माननीय सदस्य ना बोले, आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए बिजली का, आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। आप हमने क्या शुरू करवाया बिहार में, हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का सुनबे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रे मानो जी, गौर से सुनिए। और तब जो देखा हमने, कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है, कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसको एक बिजली एक बल्ब जल रहा, और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपए का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका। अरे भाई सुनिए तो सही, वो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखिए, हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े, और उसी समय सोच करके हमने ये काम किया प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का होगा, और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है, तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए, अरे आप तो यहीं के काम में लगे रहते हैं,
आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से, एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप, आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए कहा ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने यह बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंदर बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किए किया और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है, अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए यहां पर जो काम है, अब सबको प्रीपेड मीटर रहेगा, अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं, तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात, आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर तो आपको पता है, बिहार का, बिहार में जो बिजली मिलती है इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा यहां पर जो बिजली होता है, तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए, वन नेशन वन रेट, हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए, चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे, और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया कि जरा देख लीजिए,